सो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। और दोस्तों, कम प्राइस पर अच्छे 5G स्मार्टफोन मिल रहे हो तो कोई भी क्यों परचेस करना नहीं चाहेगा। और दोस्तों, आज आपके लिए मैं कुछ ऐसे ही फोन्स लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स अराउंड 11,000 रुपीज। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी, तो वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो फिर सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पर बात करते हैं उन यूजर्स की जिन्हें नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए और उन्हें एक 5G स्मार्टफोन लेना है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं लावा का ब्लेज 5G अप टू 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है आता है। और दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के अच्छे हैं। तो चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.5 इंचेस की एक HD+ की IPS LCD पैनल, जहाँ पर कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है और अप टू 500 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है। साथ ही में 90Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट भी दी गई है। तो डिस्प्ले क्वालिटी बजट के हिसाब से अच्छी है। कैमराज की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमराज मिलते हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और एक VGA सेंसर आपको मिलेगा। सेल्फी के लिए आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। फ्रंट में आपको यहाँ पर LED फ्लैश भी मिल जाता है और आप यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से 2K रिजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30fps। वैसे कैमरा के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ब्यूटी, HDR, नाइट, पोर्ट्रेट, मैक्रो वगैरह। तो आपको यहाँ पर भर भर के फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। और जहाँ पर आउटपुट की बात है तो डिसेंट आउटपुट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। वहीं पर परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 700 का चिपसेट। और बजट के अंदर आने वाला ये एक काफी अच्छा चिपसेट है, जो कि आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी देता है और आपको काफी अच्छी गेमिंग भी कराता है। साथ ही साथ फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी मिल जाता है। अंततः की बात करें तो ये स्मार्टफोन 3.75 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, तो बजट के अंदर आपको परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं आती। वैसे इस फोन के बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की अच्छे साइज की बैटरी भी मिल जाती है, जो कि आपको यहाँ पर 1 दिन का बैकअप दे देती है। साथ ही में ये फोन टाइप सी वाली पोर्ट के साथ में आता है और 10W की चार्जिंग का सपोर्ट आपको यहाँ पर दिया गया। सो फोन का बैकअप भी अच्छा है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर और ट्रिपल कार्ड का स्लॉट आपको यहाँ पर मिलता है। वैसे ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर आता है और गारंटीड आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी देखने को मिलेगा। सो नॉन चाइनीज के तौर पर ये एक काफी अच्छा 5G फोन है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 10,999 रुपए। सो दोस्तों, अगर आप नॉन चाइनीज फोन लेना चाहते हैं 5G के तौर पर तो आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है, आप चाहे तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। अगला जो फोन है दोस्तों, ये स्मार्टफोन एक ट्रू 5G फोन है और अच्छी बात है कि बहुत ही चीप प्राइस पर आपको मिलता है। ये फोन यहाँ पर इन्फिनिक्स का हॉट 20 5G फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलेगा, पर बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और डिजाइन भी काफी यूनिक है। वहीं पर इस फोन की डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर 6.58 इंचेस की एक फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल मिलती है। साथ ही में 500 nits की ब्राइटनेस दी गई है, NEG का प्रोटेक्शन दिया गया है और 120Hz की हाई रिफ्रेश रेट और 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिस्प्ले यहाँ पर बहुत अच्छी मिल जाती है। कैमराज की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमराज मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का लगा हुआ है और ये एक लो लाइट सेंसर है तो ये अच्छी बात है। साथ ही में आपको यहाँ पर एक QVGA सेंसर मिल जाता है। सेल्फी के लिए आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है, फोटोज वगैरह भी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। वीडियो की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30fps। वहीं पर परफॉर्मेंस की बात कर लें तो फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek का Dimensity 810 का चिपसेट, जो कि आता है 6nm की फैब्रिकेशन पर। और इस बजट के अंदर आने वाला ये एक काफी अच्छा चिपसेट है, जो कि आपको बजट के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। डेली परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है, पर थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर ये आएगी कि फोन के अंदर eMMC वाली स्टोरेज लगी हुई है, जिससे स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डाउनग्रेड आता है। बट फिर भी इस बजट के अंदर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। वहीं पर अगर हम बात करें फोन के पावर हाउस की तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी, 18W की चार्जिंग का सपोर्ट, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट और चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, ट्रिपल कार्ड का स्लॉट और ये फोन भी आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर यहाँ पर आपको मिलता है XOS 10.6। तो थोड़ी सी और बेटर स्पेसिफिकेशन और एक अच्छा खासा ट्रू 5G फोन है, आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। 4 और 64 के लिए आपको देने होंगे 11,500 रुपए, पर बैंक ऑफर्स पर ये फोन 10,749 रुपए की प्राइस पर आपको मिल जाएगा। और प्राइस पॉइंट के हिसाब से अनबीटेबल फोन है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। इस लिस्ट का जो अगला फोन है ये है यहाँ पर पोको की तरफ से आने वाला पोको का M4 5G। डिजाइन वगैरह के मामले में काफी यूनिक फोन है और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। हालांकि प्लास्टिक बिल्ड पर ही बना हुआ फोन है, बट बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। साथ ही में इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है
500 नीट्स की ब्राइटनेस, 3 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी फोन की अच्छी है, वहां पर आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। कैमरास की बात कर लेते हैं तो फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 2 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। सामने की बात करें तो सामने आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक ठाक है, इमेज आउटपुट भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक मिल जाते हैं। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे फ्रंट और बैक कैमरा से अप टू 30 FPS। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों इस फोन के अंदर भी आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 700 का चिपसेट, जो कि 7nm की फैब्रिकेशन पर आता है, और यहाँ पर आपको Antutu स्कोर लगभग 3.25 लाख के आसपास मिलते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस तो अच्छी है। साथ ही साथ ये फोन आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग भी कराता है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको मिलता है। सो फोन की परफॉर्मेंस इस बजट के अंदर काफ़ी अच्छी है। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी और 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर और ट्रिपल कार्ड का स्लॉट यहां पर भी आपको मिल जाता है। वैसे दोस्तों ये फोन एंड्रॉइड 12 के MIUI 13 पर आता है, तो थोड़े मोटे बग्स वगैरह आपको यहां पर मिलते हैं, बट ओवरऑल सॉफ्टवेयर अच्छा है। और हाँ दोस्तों, ये अप टू 7 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है। तो 4 और 64 के लिए नॉर्मली आपको यहाँ पर 12,000 रुपये तक पे करने पड़ेंगे, पर अभी आपको यहाँ पर किसी भी बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से 1,000 रुपये का ऑफ मिलेगा, जिसका मतलब इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन आपको 11,000 रुपये की प्राइस पर मिल जाएगा। तो दोस्तों पोको की तरफ से आपको यहाँ पर एक और काफी कमाल का ऑप्शन मिल जाता है, और मेरे हिसाब से ये आपके लिए ज्यादा परफेक्ट रहेगा, और ये फोन यहाँ पर पोको का M4 Pro 5G आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है। लेकिन दोस्तों डिजाइन काफी यूनिक है और बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.5 इंच की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल लगी हुई है, 550 नीट्स की ब्राइटनेस दी गई है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिस्प्ले यहाँ पर बहुत अच्छी है। कैमरा की बात करें, बैक साइड में आपको यहाँ पर 50 और 8 मेगापिक्सल के 2 कैमरास मिलेंगे, साथ ही में आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर मिलता है। इस फोन के कैमरास काफ़ी अच्छे हैं, आपको आउटपुट अच्छे मिल जाते हैं। वीडियो की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अप टू 30 FPS। वहीं पर परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek का Dimensity 810 का चिपसेट, और दोस्तों ये स्मार्टफोन लगभग 3.5 लाख के आसपास Antutu स्कोर कर जाता है। साथ ही में LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी लगा हुआ है। सो परफॉर्मेंस आपको बजट के अंदर बहुत अच्छी देता है, उसमें आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी और 33 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट लगी हुई है, तो बैटरी भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी दी गई है। साथ ही में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स और हाइब्रिड स्लॉट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। वैसे ये फोन थोड़ा सा आउटडेटेड है, यानी कि एंड्रॉइड 11 पर आता है, लेकिन बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर लेटेस्ट OS का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। और हाँ दोस्तों, ये भी फोन आपको अप टू 7 5G बैंड के साथ में मिल जाएगा। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। अभी ये फोन आपको मिल रहा है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में, सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए की प्राइस पर। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते हैं तो ये फोन भी आपको लगभग 11,000 रुपए की प्राइस पर इजीली मिल जाएगा। बात करें दोस्तों आखिरी फोन की, तो ये फोन थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक ऑलराउंडर और अच्छा 5G स्मार्टफोन लेना चाहें तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। ये फोन यहाँ पर Infinix का Note 12 5G। ये फोन आपको डिजाइन और लुक के मामले में काफी कमाल का देखने को मिलता है, हालांकि प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है और बिल्ड क्वालिटी भी फोन की काफी अच्छी है। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.7 इंचेस की एक AMOLED पैनल, जहां पर आपको फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, 700 नीट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 120 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। तो 5G के तौर पर डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर भी आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और आपको यहाँ पर एक QVGS सेंसर दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो आपको यहाँ पर मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, डे लाइट में फोटोज भी अच्छी आ जाती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक और फ्रंट दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर 2K रिजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। तो परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस MediaTek का Dimensity 810 का चिपसेट, और ये चिपसेट काफी स्टेबल है, अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको देता है। Antutu की बात करें तो लगभग 3.5 लाख के आसपास आपको यहाँ पर Antutu स्कोर मिल जाते हैं। तो डेली टास्क के साथ आप यहाँ पर काफी अच्छी गेमिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। पावर हाउस की बात करें तो 5000mAh की बैटरी और 33 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। वहीं पर स्मार्टफोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, तो ये भी काफी अच्छी बात है। लेकिन थोड़े मोटे ब्लॉटवेयर्स और बग्स वगैरह आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो देखा जाए तो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिसेंट मिलेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्मार्टफोन अप टू 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है।
सो फ्रेंड्स देखा जाए तो काफी तगड़ा पैकेज है, आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। 6 और 64 के लिए आपको देने होंगे 12,999 रुपए। ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन अराउंड 12,000 रुपए की प्राइस पर आपको मिल रहा है, सो आप चाहें तो इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ेगा लेकिन फोन काफी अच्छा है, तो आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थे वो टॉप 5 5G स्मार्टफोन जो कि आपको इस समय मिल रहे हैं लगभग 11,000 से 12,000 रुपए की प्राइस पर, तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन यहाँ पर देख सकते हैं। सभी के जो लिंक्स हैं वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा। और दोस्तों उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।